पुदीना यानी कि मिंट बहुत ही ठंडक देता है और गर्मियों के अंदर बेस्ट क्वालिटी ऑफ पुदीना हमें मिलती है। और जब पुदीना इतना ढेर सारा बढ़िया बढ़िया मिलता है सो बेस्ट रहता है कि आप उसे अच्छे से सुखा कर उसका पाउडर बना लीजिए। इट्स बेस्ट कि आप गर्मी में जब सस्ता मिलता है, क्वालिटी बढ़िया मिलती है और खूब सारा मिलता है, आप इसे अच्छे से सुखा कर इसका पाउडर बना लें। और जब आप पाउडर बनाएंगे उसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पुदीने का पाउडर बनाया जाता है। सिंपल सी चीज़ है वैसे तो कि सुखा दिया बन गया, लेकिन कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिससे पाउडर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड रह सकता है, वो आपको आज मैं बताऊंगा। पुदीना का पाउडर बनाने के दो आसान तरीके हैं। एक तो है शॉर्टकट। शॉर्टकट में आता है कि आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। दूसरा है कि उसे नेचुरली आप सुखाएं। इन दोनों स्टेप को शुरू करते हैं। सबसे पहले पुदीना को अगर आपने सुखाना है, सबसे पहले आपको उसको अच्छे से खुले पानी के अंदर धोना है। धोने के बाद उसे अच्छे से झाड़ लेना है और इस तरीके से फैलाना है। लुक एट दैट, ये जो फैलाया हुआ है ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि अगर इसके अंदर पानी रह जाएगा, ये ऊपर जो सतह पे पानी लगा है वो अगर हटेगा नहीं, तो जो पाउडर बनेगा वो गाढ़े रंग का बनेगा, प्लस फ्लेवर लॉस भी होगा। इसलिए हल्की सी हवा लगने देना है करीबन 15 से 20 मिनट ताकि सतह का पानी सूख जाए। दैट्स इट। ये पुदीना, ये ऊपर का जो ये स्प्रिग है इसे अलग कर लिया। इसके बाद यूं पकड़ कर डंडी को उल्टी दिशा में अगर आप खींचेंगे पत्ते निकल आएंगे। सिंपल। अब बात करते हैं माइक्रोवेव की। जब आप पुदीने के पत्ते को माइक्रोवेव में डालकर उसे सुखाते हैं, फ़ायदा उसका ये है कि आपको इंस्टेंटली पुदीने का पाउडर मिल जाएगा। लेकिन उसका नुकसान ये है कि उसका जो फ्लेवर है वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब जब आप कंपेयर करेंगे पंखे के नीचे या गर्म हवा के अंदर सुखाया हुआ, नेचुरली उसका फ्लेवर ज़्यादा बेटर होता है। और कभी कभार होता है कि आपका माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा हीट अगर पत्ते के ऊपर डाल दे तो पत्ता हल्का सा बर्न हो जाता है, इसलिए कई बार पुदीने का रंग जो है ना वो हरा ना होकर भूरे रंग पर या गाढ़े रंग पर चला जाता है। जबकि पंखे के नीचे सुखाया हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी ऑफ मिंट, यूजुअली बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होता, वो डीप या डार्क ग्रीन की तरफ ही रहता है। डन। ये पत्ते तैयार हैं, ये फ्रेश है, धुले हुए हैं, साथ ही साथ ये सूखे भी हुए हैं। मतलब अगर आप गौर से देखेंगे इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने इसे हवा लगा दी थी। तो कहता है इतनी सारी डंठल है इसके अंदर, ये किसी काम की नहीं। अब सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए इसे तोल लेंगे ताकि पता चल जाए कि 200 ग्राम पुदीने के जब हम पत्ते निकालते हैं तो उसका कितना वज़न रह जाता है। कितना वज़न है भाई? 75 ग्राम। वाह, मतलब 125 ग्राम तो सिर्फ डंडिया डंडिया थी, सिर्फ 75 ग्राम बचा है। अब इस 75 ग्राम को हम आधा आधा डिवाइड कर देंगे। अब जो ये पिंक वाली हमारी प्लेट है इसको हम सुखाएंगे माइक्रोवेव के अंदर, और ये जो हमारा बैच है ये पीली प्लेट के अंदर, इसे हम सुखाएंगे नेचुरली। नेचुरली यानी ऐसा नहीं करना कि हमें इसे डायरेक्टली धूप में रखना है। देखिए धूप गर्मियों के अंदर ना बहुत कड़क बहुत तेज़ होती है, सो धूप में एकदम आप ना रखें। उसके अंदर ये डर रहता है कि वो बिल्कुल झुलस जाएंगे या बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। बेस्ट तरीका है कि आप एक सूखे कपड़े के ऊपर इन्हें फैला लें इस तरीके से। इसे हमें आप अपने किसी भी कमरे के अंदर, जो भी कमरा खाली है, एक पंखे के नीचे रख सकते हैं। मेक श्योर कि उस कमरे के अंदर एसी या कूलर ना चल रहा हो, क्योंकि अभी गर्मियां हैं, गर्म हवा इतनी, पंखे से जो वो हवा है वो रोटेट होगी इसके ऊपर, आराम से ढंग से इसे सुखाएगी, एंड बेस्ट पार्ट इज इसका मैक्सिमम कलर रिटेन रखेगी। इसे सुखाने में आपको लग जाएंगे
24 hours, अगर बहुत अच्छी गर्मी है, लेकिन अगर हवा में थोड़ी नमी है, एक से डेढ़ दिन दो दिन भी लग सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है कि ये एकदम सूख जाएंगे और इसे हम माइक्रोवेव में डालेंगे। इसे हल्का सा इस तरीके से फैलाना है। अभी भी देख रहे हैं ये काफ़ी ऐसे इसके अंदर पत्ते जो ढंग से सूखे नहीं हैं, कुछ हैं जो जिनका रंग गाढ़ा हो गया, ये वापस जाएगा एक मिनट और। अभी भी ये पूरी तरीके से सूखा नहीं है, इसलिए इसे एक मिनट और। Have a look at this। आवाज से पता चल रहा है ये बिल्कुल सूख गया, जरा सी हवा लगेगी और ये तैयार। चलिए, look at that, nice crunchy की साउंड है। अब हमें इसे पीसना है। पीसने के लिए हमारे पास है ये छन्नी। छन्नी के ऊपर हम इस तरीके से इसे घिसेंगे और ये जो है चूरा चूरा होकर नीचे घिस जाएगा। थोड़े थोड़े पत्ते रह गए हैं। Have a closer look। इसको थोड़ी सी देर, इनको हम दोबारा से माइक्रोवेव में डालेंगे, दोबारा से कड़क हो जाएंगे इससे और इसी तरीके से छन्नी से हम निकाल देंगे। और ये पुदीना पाउडर माइक्रोवेव में बना टन। अब चलते हैं दूसरा तरीका, यानी पंखे के नीचे या गर्म हवा के नीचे सुखाए हुए पुदीने को, उसको देखते हैं। ये गौर से देखिए, इसे 24 घंटे हुए हैं और ये अच्छे से सूख गया है घर पर पंखे के नीचे, क्योंकि गर्मियाँ थी तो आराम से गर्मी के अंदर पंखे के अंदर ये सूख गया। और अब इसे हम क्रश करेंगे। क्रश करने के लिए अगेन बेस्ट इज छन्नी। हम लेंगे ये पुदीना, कितना प्यारा महीन ये पुदीने का पाउडर, ब्यूटीफुल, नाइस। छन्नी में थोड़ा समय लगता है और कभी कभार ये होता है कि जब आप इसे पंखे के नीचे सुखाते हैं थोड़ी देर बाद इसके अंदर हल्की सी नमी आ जाती है, ये आसानी से पाउडर नहीं होता, टूट पाई। आप घर पर जैसे कोई सब्जी बनाते हैं, जब उसे ढकते हैं किसी प्लेट से, उस प्लेट के ऊपर थोड़ी सी देर इस पुदीने के पत्ते को रखें, उसकी जो गर्मी होगी उससे उसकी नमी चली जाएगी। उसको निकालिए, हल्की हवा लगने दीजिए और हाथ के अंदर क्रश हो जाएगा, बिल्कुल जैसे कसूरी मेथी के साथ हम करते हैं, बिल्कुल वैसे। लुक एट दिस, ये हमारा ग्रीन गोल्ड। ये पुदीने का पाउडर है जो हमने माइक्रोवेव के अंदर ड्राई किया था और ये है जो हमने कमरे में पंखे के नीचे गर्म हवा में सुखाया था। अब इसका वेट करते हैं। ये है माइक्रोवेव वाला, लेट्स सी, 5 से 6 ग्राम अब ये हो गया। ये वाला जो हमने कमरे में सुखाया था, ये भी पूरे के पूरे 6 ग्राम है। लुक एट दैट, पुदीने का मसाला, उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो अगला वीडियो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में होगा। एट द सेम टाइम एंड में जब स्लाइड आती है वहाँ पर वो मिलेगा आपको वीडियो। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे।